ज्ञान तिमरान दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमीजनों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग समारोह चल रहा है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई परम वाणी जो मनुष्य हृदय में धारण करके अपने जीवन को जिएगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान ने अपनी प्राप्ति के साधन और मार्ग स्वयं बतलाए हैं भागवत गीता में कि मेरी प्राप्ति के कौन से साधन है और क्या मार्ग है, मार्ग का रास्ता बतलाया है। पिछले सत्संग में श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में 9वें श्लोक को पढ़ रहे थे। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने धाम की ओर जाने का मार्ग बतलाया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम तरीका बतलाया है। वही श्लोक में दोबारा से दोहरा करके सत्संग को आगे बढ़ाता हूं। आइए मेरे साथ 3 बार भगवान को प्रणाम कीजिए ताकि सत्संग आगे बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम। श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं अपने प्रिय मित्र प्रिय शिष्य अर्जुन को। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्त्यश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने अपनी प्राप्ति के साधन और
मार्ग का पता बतलाया कि जो व्यक्ति के चित्त में मैं बसा हूं वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। एक मार्ग बतलाया, दूसरा मार्ग फिर सुगम बतलाया कि जो सदैव मुझे चित्त में धारण नहीं करे तो मदगत प्राणा वो मेरे लिए कर्म करे, जितना भी जो भी कुछ करता है वो मेरे लिए करे, मुझे प्रसन्न करे, उनका फल मुझे अर्पण करे। बाग लगाया है तो बाग का फल मुझे अर्पण करे, क्या बात है। ये कर्म योगी के लिए बतलाया है, पहला ज्ञान योगी के लिए बतलाया कि सदैव चित्त में मुझे धारण कीजिए, एक पल को भी मुझे मत भुलाइए तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ये ज्ञानी भक्त है, ये कर्मयोगी, ये कर्मी भक्त है जो भगवान की सेवा करके कर्म करके ही अपने प्राणों की आहुति देता है, भगवान की श्री चरणों में अपने प्राणों से किए हुए कर्मों को अर्पण करता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधियंता परस्परम। फिर तीसरा फिर मार्ग बतलाया, बोधियंत परस्परम, आपस में सत्संग करना, भगवान की बातचीत करना। जो व्यक्ति को ये चाव लग जाता है कि वो जब भी किसी से मिलता है तो भगवान की वार्तालाप छेड़ देता है और सामने वाले से भी भगवान की लीला कथाओं को ही सुनना चाहता है, तो ऐसा वो सत्संग में जाके बैठता है या फिर भक्तों के समूह में जाकर बैठता है, किसी भक्त के पास जाता है। क्योंकि भक्त के पास जाएगा तो भक्त भी वही चर्चा करेगा भगवान की और खुद भी वही चर्चा करेगा। यदि ऐसा अभ्यास किसी का जीवन में हो जाता है, बोध देंते परस्परम आपस में, मुझे जानो, दो जने बात करके मुझे जानो, तो उनके हृदय में भी हरि का प्रेम समा बढ़ जाता है और उनको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के एक एक शब्द में भगवान की प्राप्ति है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम भक्त्या। या फिर दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग के बाद चौथा मार्ग मैं बतला रहा हूं अर्जुन कि कथयंतश्च माम भक्त्या, मुझे भक्ति भरे हृदय से मेरी लीलाओं का कथन करो, मेरे वैभव का कथन करो, सुनाओ लोगों को, प्रवचन करो, कथा वार्तालाप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, कथयंतश्च। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर जप करता है तो यदि पेड़ पौधों के नजदीक भी पेड़ पौधे भी सुने उनको भी लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ। जानवर भी सुने उसको भी लाभ मिलता है, तो मनुष्य सुने उसको भी लाभ मिलता है। इसलिए कभी कभी भक्तों को आपने देखा होगा जोर जोर से कीर्तन करते हैं, लाउड स्पीकर लगा लेते हैं आजकल, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जोर जोर से कीर्तन करने से जो सुनते हैं उनको सबको लाभ मिलता है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो,
पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों या देवता हों देवियां हों, सबको लाभ मिलता है। भगवान के नाम की महिमा विशेष है। उनका नाम लेने से हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा धन शुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, हमारी परम गति हो जाती है, हमको परम धाम मिल जाता है, भगवान स्वयं साक्षात हमको मिल जाते हैं। परम लक्ष्य के लिए ये सब भजन क्रिया है, ध्यान क्रिया है, ज्ञान क्रिया है, कर्म क्रिया है, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जहां स्वयं गोविंद हमको दर्शन देते हैं। कितने भाग्यशाली हैं वो जिनको गोविंद रोज दर्शन देते हैं, कितने भाग्यशाली हैं वो संत मुनिजन जिनको भगवान रोज मिलते हैं, वो भगवान को रोज आलिंगन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये तो भाग्यशाली की रूपरेखा है, जो भाग्यशाली है उनको मिलता है भगवान। भगवान परिश्रम से मिल जाता है, परिश्रम करना पड़ता है। जो भी हम परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, वो भगवान के लिए करें तो मिल जाता है, भगवान मिल जाते हैं। अगर सदैव मन में भगवान को चिंतन करें, भगवान को विसरे नहीं कभी, तो भी भगवान मिल जाते हैं। यदि भगवान की चर्चाएं करें हम एक दूसरे से, जब मिले तभी उनकी चर्चा करें, तो इस अभ्यास से भी भगवान मिल जाते हैं। कथयन्त्यश्चे माम भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति भाव से जो मुझे मेरे विषय में, मेरी योग माया के विषय में, मेरे वैभव के विषय में, मेरे विषय में, मेरी लीलाओं के विषय में वर्णन करता है, कहता है, ऐसे कथाकार भी तर जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये नहीं वक्ता ही तरता है, सुनने वाले श्रोता भी तरते हैं। क्योंकि वो सुन करके दूसरों को सुनाते हैं। कोई सत्संग में जो सुनता है वो अपने बच्चों को भी सुनाता है कि मेरे बच्चों आज देखो मैंने कितनी सुंदर कथा सुनी पंडित जी के मुंह से, स्वामी जी के मुंह से, तुम्हें भी सुनाता हूं बैठ। अपनी पत्नी को भी सुनाता है, अपने पड़ोसी को भी सुनाता है, अपने मित्रों को भी सुनाता है। वो वक्ता से सुनकर के श्रोता भी तो वक्ता ही बनता है। वक्ता का जन्म कहां से हुआ? श्रोता के घर से ही तो हुआ। उसने अपने गुरुजी से सुना, संतों से सुना, महात्माओं से सुना, तो वो वक्ता बन गया। अभी जो उनको वक्ता को सुन रहे हैं श्रोता, वो भी तो वक्ता ही बनेंगे। तो भगवान कहते हैं कथयन्त्यश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति हृदय से। भक्ति हृदय क्या है? भगवान का भजन करना, उनका नाम जप करना। माला है तो माला के ऊपर जप करना, माला नहीं है तो उंगलियों पर भी जप कर सकते हो। उंगलियों पे नहीं करो तो मन में मानसिक जप कर सकते हो, या बिना काउंट किए, बिना गिने भी जप कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी रूप से आप जप कर सकते हो, चलते फिरते भी, सोते जागते भी, नहाते धोते भी। भगवान का नाम लेने में आपका लाभ है, आपका कल्याण है। कथयन्त्यश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ जो मेरा मेरे मेरा कथन करते हैं वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च,
जो मेरे संतुष्ट भक्त हैं, संतोष है जिन, पूर्ण संतोष पायो रे जब संतोष धन बाबा, सब धन धूल समान। तो ये सब धन धूल समान तो तभी होते हैं जब उस प्रभु का नाम आपको प्राप्त हो जाए, हरि का नाम प्राप्त हो जाए। और वो प्राप्त होता है किसी सत्पुरुष से, सतगुरु से, शुद्ध भक्त के से। वो शुद्ध भक्त आपको बीज रूप से आपके हृदय में हरि नाम का बीज स्थापित करता है। तो उस बीज से ही अंकुर निकलता है आपकी भक्ति का, और वो भक्ति बेल के रूप में फैल जाती है और उसमें आनंद के फल आते हैं। मीराबाई गाती है, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई मेरो तो गिरधर गोपाल। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मीराबाई ने संतों का सत्संग किया, कीर्तन किए, नाची गाई और गोपाल को अपना पति मान करके भजन करती थी। गोपाल मिले मीरा को, गोविंद मिले, गोविंद की प्राप्ति हुई मीरा को, ठीक वैसे ही आपको भी होगी। जो आप आपके हृदय में गोविंद का प्रेम भरेगा तो आपको भी भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। जिन तुलसीदास जी ने, महाराज ने रामायण के अंदर कहा है, जिनके जिन पर सत्य स्नेहु सोती मिलही ना कछु संदेहु, इसमें संदेह कहा है। जिनका जिनके साथ में अत्यंत प्रेम होता है वो उनको मिल ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो यदि आपका प्रेम भगवान के साथ में होगा, भगवान से होगा, तो क्यों नहीं भगवान मिलेंगे। तो ये जप करते करते भी भगवान का प्रेम उदय होता है, कीर्तन करते करते भी भगवान का प्रेम उदय होता है, उनकी वार्तालाप कथ्यंतश्च, उनकी लीला कथाओं को कहने से भी भगवान का प्रेम उदय होता है, और उनकी लीला कथाओं को सुनने से भी भगवान का प्रेम उदय होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, सुनना, भगवान की कथा वार्ताओं को सुनना, ये भी एक श्रेष्ठ मार्ग है भगवान की ओर जाने का, भगवान को पाने का। तुष्यन्ति चरमन्ति च, आत्मा राम कहा है रमने वाले को। राम का मतलब ही रमन्ति, जो सब जगह रमा हुआ है, सर्वत्र है, सबको तृप्त करते हैं वो राम। रमन्ति सो राम, तो आप रमण कीजिए। आत्मा में आप रमण करोगे तो परमात्मा के साथ ही रहोगे, जग में रमण करोगे तो जग के साथ रहोगे। संतोष, गोधन गजधन बाज धन, बाज कहते हैं घोड़े को, गज हाथी, गौ गौ माता, ये बड़े धन है पुराने जमाने के। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान,
और रत्नों के खजाने पाए। और जब संतोष धन बाबा सब धन धूल समाओ। संतोष धन क्या है? हरि का नाम। जो हरि का नाम आपको प्राप्त हो जाएगा तो ये सारे धन धूल जैसे नजर आने लगेंगे। समलोष्टाश्म कांचना, तभी तो एक शुद्ध भक्त की दृष्टि में मिट्टी और सोना और लोहा समान होते हैं, भेद नहीं करता। वो मिट्टी को भी उतना ही प्रेम करता है जितना सोने को और लोहे और लोहे को करता है और पत्थर को करता है। पत्थर, लोहे, मिट्टी, सोना, चांदी, इनमें भेद नहीं कर करता। वो सर्वत्र भगवान के दर्शन करता है, सबके ही प्रिय है, सभी उसके प्रिय है। पायो रे जब संतोष धन बाबा। संतोष धन क्या है? संतोष धन क्या है? ये हरि का नाम ही संतोष धन है। ये हरि का नाम जिसने पूरी तरह से प्राप्त कर लिया, उसकी दृष्टि में ये पूरा संसार ही मिट्टी के समान है, मिट्टी का ढेला है। है भी आपका शरीर क्या है? और आपकी पत्नी का, और आपके बच्चों का, और आपके माता पिताओं का, और आपके पड़ोसियों का, और आपके देशवासियों का, और ये विश्व का, ये जितने भी शरीर है क्या है? ये मिट्टी का ढेला है। तो ये मिट्टी, पृथ्वी मिट्टी का ढेला है, इसमें सोना चांदी ये तो आप छांट लेते हैं इधर उधर से, सब मिट्टी है, मिट्टी से ही बनते हैं। कोयले जैसे मिट्टी से बनते हैं, वृक्ष, पौधे, पेड़ सब मिट्टी से बनते हैं, ऐसे सोना, चांदी, तांबा ये सब मिट्टी के ही पदार्थ हैं, मिट्टी के ही गुण हैं। जैसे आप कोई भूरी भूरी मिट्टी को एक तरफ को कर लेता है, या उर्वरा उपजाऊ भूमि को अपने गमले में भर लेता है पौधा लगाने, और बेकार मिट्टी को नहीं सेलेक्ट करता, ऐसे ही सोना चांदी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है तो मिट्टी। लेकिन ज्ञानी पुरुष इसको अच्छी तरह से जानता है, भक्त इसको अच्छी तरह से जानता है कि ये सब मिट्टी है। ये संसार फूल से मर को हवा चले उड़ जाई। ये सेमर का, सेमर वृक्ष में एक फूल आता है बड़ा नाजुक, वो थोड़ी भी हवा का झोंका चल जाए तो गिर जाता है नीचे, पंखड़ी पंखड़ी खिल जाती, गिर जाता है जमीन। इस संसार की उपमा संतों ने सेमर के फूल से दी है। नर धुन धुन सर पछताई, तेरे हाथ कछु नहीं आई। ये संसार फूल से मर को पवन चले उड़ जाई। ये उड़ जाएगा, पवन चलेगी, समय का झकोला झकोड़ा आएगा और ये जीवन चला जाएगा, कभी भी चला जा सकता है, नो गारंटी। कभी किसी की गारंटी मत लेना कि कल आप हैं या परसों रहेंगे, नोबडी नोज। कोई नहीं जानता इस बात को कब कौन चला जाए, या जानता है? मेरा अनुभव है कोई नहीं जानता। शास्त्र भी यही कहते हैं, होनहार को कोई टाल नहीं सकता। बच्चे भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, महाबूढ़े भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कौन कब चला जाए किसी की गारंटी नहीं है। इसलिए सेमर का फूल कहा है संसार को, मिट्टी का ढेला ही कहा है। संतोष धन हरि नाम। पावनेभ्यो अति पावनम, मंगलेभ्यो अति मंगलम,
हरे नाम एव केवलम, ये अति पवित्र नाम है हरि का नाम। मंगल करने वालों में मंगलकारी है, मधुरों में अति मधुर है, इससे मधुर कोई नहीं है। जिसने इसका जिसकी जबान पर हरि के नाम का मधुर रस चढ़ गया वो दूसरे रसों को फीका समझता है, इतना इसमें मिठास है हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम की ओर और अपनी प्राप्ति का साधन बतलाया। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते। क्षमा कीजिए, माम उपयान्ति ते, माम उपयान्ति ते, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन? अभी नौवे श्लोक में हमने सारी चीजें बोली, ध्यान कीजिए क्या क्या बोला। मत चित्ता, भगवान कहते हैं तुम्हारे चित्त में मैं बसा रहा हूं। ये चित्त ये मन भगवत स्वरूप हो, भगवान की भावना इसके अंदर हो, भगवत भावित हो। मदगत प्राणा, जो कुछ करते हो वो मेरे लिए करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए। कैसे एक भगवान का भक्त स्नान करता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुद पहले शुद्ध होता है फिर भगवान की सेवा करता है। तो इसका स्नान करना सफल हो गया। वो कुकिंग करता है, भोजन बनाता है, पहले भगवान को थाली में अर्पण करता है फिर खुद खाता है प्रसाद रूप से, इसका कुकिंग करना सफल हो गया। फिर कमाई करके लाता है और उससे परिवार को पालता है, अपने रिश्तेदार को पालता है, मेहमान को पाल खिलाता है, भूखे को देता है, कुत्ते बिल्लियों को देता है, चिड़ी पक्षियों को देता है, बच्चे तो चैरिटी मंदिरों में दान देता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में दान करता है, अस्पताल बनाता है, लोगों को समाज में भगवान का स्वरूप देख करके सेवा करता है, भगवान को अर्पण करता है। ये प्राण अपने कर्मों से मदगत प्राणः, मेरे सेवा करो अपने प्राणों से, अपनी शक्ति से, प्राण शक्ति है हमारी। प्राण निकल जाते हैं तो हमारी सारी शक्ति निकल जाती है, शरीर गिर जाता है। ये प्राण शक्ति है, इसके बल पर ही हम नाचते गाते हैं, आंखें मटकाते हैं, जबान खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, सारे काम प्राण शक्ति से करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्राण शक्ति को मेरी सेवा में लगा दो। तो इस प्रकार से करने से क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जो प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है लगातार। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, नवे साल भी होवे बधाई, ताजियां हरियां सब्जियां, मन पौंदे फ्रेश फल, इंडियन बेस्ट इंडियन पाकिस्तानी अते बंगाली ग्रोसरी खरीदने लई 7 दिन 24 घंटे आप दी सेवा करता है। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, 114-15 अटलांटिक एवेन्यू रिचमंड हिल न्यूयॉर्क। बधेरे जानकारी लई कॉल करो। ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ